एक हिरण और हिरणी, एक खबोशिया में पानी पड़ियो जो उठे खड़ा, वह हिरणी कहवे कि तू पी ले और हिरण कहवे कि तू पी ले। थोड़ी देर वो पानी नीट गयो और वे इतना प्यासा कि वह दो प्राण निकल गो। और जिन नगरी उन निकलिया उन नगरी रा राजा और रानी एक दिन शिकार खेलने वास्ते हाथे आते जावे तो वह रानी उन दो जीवों ने मरियोड़ा दे किया। जन राजा साहब ने कह ठहरो क्या कहीं हुई कि जीव की कर मरिया इनो कारण बताओ। राजा और रानी दो ही खड़ा और उन टेमरे में रानी कहे कि हे प्राणनाथ मन हाची बात को इन दोनों प्राणी और प्राण की कर निकलिया। ओ जी घाव नहीं ए घाव नहीं गोपो नहीं जी नहीं कोई लागो बाण। ओ पिया जी नहीं कोई लागो बाण। अरे मुथने पूछो पिया ए की करत जियो प्राण। ए घाव नहीं गोपो नहीं गाव नहीं गोपो नहीं नहीं कोई लागो बाण। राजा नहीं कोई लागो बाण। उठने पूछू पिया ए की करत जियो प्राण। उठने पूछू पिया ए की करत जियो प्राण। भक्तुर भगवान की महारानी के वे हे पिया घाव नहीं गोबो नहीं। हे पिया अगर इन्हें मृग ने कोई मारी हो तो कोई घाव हो तो कोई तीर निशान हो तो कोई जहरीली चीज कोई सांप खायो हो तो इन्हों शरीर नीलो पड़ जाओ तो घाव नहीं गोबो नहीं नहीं कोई लागो बाण। हूं थाने पूछू हो पिया ए किखर तजियो प्राण। अरे प्राण तजने रो कारण कहिए तो राजा बुद्धिमान वेता पहला देखो हमें जीव नहीं है हमें तो बोटो वालो सिस्टम है। बली राजा हाव छोर वे पर जिन्हें बोट हल्ला आवे उन्हें ज राजा बनाई। पहला वो सिस्टम नहीं हो राजाओं की भी परीक्षा होती के राजा बनने रे लायक है कि नहीं है। बुद्धिमानता देखता उन्हों विवेक देखता उन्हों पूरो पूरो त्याग देखता उन्हें क्षमता देखता उन्हें सहनशीलता देखता और पूरी पूरी सिस्टम देखिया पची उन्हें राजा री राजगद्दी मिलती। और सिस्टम हमें जो पहला नहीं हो जिन टेमर में राजा तो पूरा ही महान होता। राजा लोग क्योंकि राज्य चलावता तो वाने सब चीज रो ध्यान रखना बहुत जरूरी हो। प्रजा रो ध्यान रखना पड़तो प्रजा रे पैसे रो ध्यान रखना पड़तो और प्रजा में की दुख पड़ जाओ तो उन दुख रो भी ध्यान राजा ने रखना पड़तो। तो उन टेमरे में राजा कहे कि रानी यार मरने रो कारण दूजी बात है कि कहीं के मरने रो कारण है प्रेम। हे महाराज ये पक्षी प्रेम में मरगा है जीव प्रेम रे में मरगा एड़ो कई प्रेम हुयो एड़ी कई कारण हुई वो मन कारण बताओ। उन्टे में राजा अपनी रानी ने वो कारण बतावे यो कहवे जल थोड़ो ने गणो रानी 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 जल थोड़ो ने गणो ए जी लागा बीरे रामान रानी लागा बीरे रामान। ए जल थोड़ो ने गणो रानी लागा बीरे रामान रानी लागा बीरे रामान। तू भी करता प्राणी सदगीनू हे प्राण। तू भी करता प्राणी तजदीनो है प्राण। बोल भक्तुर भगवान की। अब कहे हाँ कहे की
जल थोड़ो नेह गणो ने कहवे प्रेम ने, प्रेम बहुत ज्यादा हो और पानी कम हो। और जिंदगी में प्यास लागोड़ी, मिर्गो देखियो मैं पी लियो तुम्हारी मिर्गी मर जाई, और मिर्गी देखियो मैं पानी पियो तुम्हारो मिर्गो मर जाई, है दो ही करता करता तू पी ले आके, तू पी ले करिया जीते पानी नीट गो। नजदीक में कटी पानी हो नहीं, अरे चलने की इच्छा चलने की ताकत कुछ री नहीं, इन वास्ते दो ही प्राणी तड़प और प्यासा मरता मरता प्राण त्याग दियो रानी। तो इन्हें कहवे प्रेम। और प्रेम री परिभाषा लोग आजकल बहुत ही छोटे रूप में, लली साहब प्रेम किया था भगवान कृष्ण से मीराबाई ने, और मीराबाई प्रेम ऐसो करियो जिनो कोई आज, मतलब वो प्रेम अमूल्य था, अमूल्य प्रेम केवल और केवल मीरा करियो भगवान निस्वार्थ भाव। और संसार में दो ही जड़ा संत, दो ही एड़ा भक्त होया जो कि सहजे शरीर पाछा गया। एक तो मीराबाई, बारी कोई समाधि नहीं है अटू द्वारका जी, अटे तो भक्ति करी मेड़ तेरे में जड़ तक रिया, और जिंटी में अटू पाचा द्वारका जी गया तो पाचो सहजे शरीर मूर्ति में समा गया। और दूसरा कबीरदास जी ने जो निर्गुण भक्ति करी, मीराबाई ने प्रेम भक्ति की और कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की, तो कबीरदास जी सहजे शरीर गायब होगा, हमारी कोई समाधि कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं दी। तो ऐज दो संत ऐड़ा होया, और मीराबाई प्रेम भक्ति करी, मीराबाई रे प्रेमा भक्ति री कोई सीमा नहीं असीमा हावे।